इधर कर्नाटक के हुबली में नेहा हत्याकांड को बीजेपी ने लव जिहाद का मामला बताया है। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और नेहा के पिता निरंजन हिरेमत ने कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द भी सुना है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी के मर्डर केस को बीजेपी ने लव जिहाद का मामला बताया। इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सारा देश परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी समस्त परिवार इस घटना की घोर निंदा करता है। मुझे जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। यह वक्तव्य तुष्टीकरण से ओतप्रोत होकर एक तरीके से तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। आपको बता दें 18 अप्रैल को कर्नाटक की हुबली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां कॉलेज कैंपस में एक सिरफिरे आशिक ने एक छात्रा की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। नेहा's पेरेंट्स आर इन अ वेरी बैड status. So I couldn't talk more to them, but their only request is that as early as possible that person, I mean the accused, has to get punishment. हत्या का आरोप कॉलेज के छात्र रहे फयाज पर लगा, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। इस वीडियो में फयाज एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता हुआ नजर आया। बताया गया कि एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा और कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा से आरोपी फयाज एक तरफा प्यार करता था और वो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन युवती ने आरोपी के प्यार को ठुकरा दिया था। ये बात फयाज को नागवार गुजरी और उसने नेहा से बदला लेने की ठान ली। आरोपी चाकू लेकर कॉलेज पहुंच गया और नेहा को सामने से रोक लिया। नेहा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे नेहा वहीं गिर गई। लेकिन आरोपी फयाज यही नहीं रुका, वो एक के बाद एक चाकू से हमला करता रहा। हमले के बाद आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, जमकर पिटाई की। बाद में आरोपी फयाज को पुलिस के हवाले किया। वहीं हमले में बुरी तरह जख्मी लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। डॉक्टर्स ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। मेरे बेटे को आत्मा का शांति दो। कोई और बेटी देश में मरना नहीं चाहिए, किसी का हत्या नहीं होना चाहिए। डर को दूर करना किसका काम है? प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन। आज हमारे नेहा का ही होने के बाद तो तुरंत एक तो आदमी को तो पुलिस ऑफिसर ने भेजना है, इन्वेस्टिगेशन में करना, या कोई इंटेलिजेंसी वाले को भेजना है, या क्राइम वाले को उधर सर्च करने के लिए क्या हाथ है। सभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि इस कमिश्नर को आप इमिडिएटली इस केस के लिए लापरवाही करने के लिए इसको हटा के दूसरा कमिश्नर देखो, या इस इन्वेस्टिगेशन आप सीओडी दे दो, या नहीं तो आपको मैं तो सबको डिमांड करूंगा या सीबीआई दे दो। वही कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े छात्रा की हत्या की खबर फैलते ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपना मोर्चा खोल दिया और उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भी आग अभी भी जारी है। रात से ही दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। कूड़े के पहाड़ से निकल रहा धुआं बन रहा जानलेवा, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आज दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल पर दौरा करेंगे बीजेपी के नेता। कूड़े के ढेर में लगी आग पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। ये धुआं केजरीवाल के झूठ की तरह जहरीला और अंतहीन है। दिल्ली के शास्त्री भवन के पास कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट की निर्माणाधीन इमारत में भी आग ने जमकर मचाया कोहराम। वहीं परिसर में लगे तेल के ड्रम्स को आनन-फानन में हटाया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया।
हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से बची अफरा तफरी देखते ही देखते 12 से ज्यादा झुग्गियों ने आग पकड़ ली। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के कांगड़ा में सिरफिरे युवक ने धारदार हथियार से किया छात्रा पर हमला। आरोपी ने एक के बाद एक छात्रा पर 10 वार किए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में होटल रेडिसन में एक पार्टी के दौरान हुआ बवाल। होटल रेडिसन में बिजनेसमैन पिता पुत्र पर दूसरे व्यवसायी के बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छत से फेंकने के भी आरोप लगे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में दर्दनाक हादसा। काली नदी में डूबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। नदी में तैरने के लिए उतरते समय हुआ हादसा। पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक वाहन से 9 किलोग्राम सोने और 12 किलोग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए गए। भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। रिपोर्टर धमाका देख रहे हैं आप। रिपोर्टर धमाका की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो गाजीपुर से आ रही है। आपको बता दें कि कूड़े के पहाड़ में आग लग गई है और आग कल शाम 5 बजे से लगी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग लग गई। कल शाम 5 बजे से आग लगी हुई। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार, और चूंकि कूड़े का पहाड़ है इसलिए जहरीली गैसें जो है वो भी इसमें से निकल रही हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और अब इस आग पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। लगातार आग को बुझाने की कोशिश चल रही है लेकिन अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। 12 घंटे से ज्यादा हो चुका है लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं जा सका है। लगातार धुआं जो है उस कूड़े के पहाड़ में से निकल रहा है। गाजीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ये देखिए 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कूड़े के पहाड़ में आग लग गई है। चारों तरफ धुएं का गुबार है और ये इस धुएं के गुबार में जहरीली गैसेस निकल रही हैं जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। मास्क लगाकर लोग निकल रहे हैं। आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं ये तस्वीरें। ये 1990 से हम इसे झेल रहे हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियाँ यहाँ, आँखों में दिक्कत है यहाँ। बच्चे उठे रोते हैं, निकलते हैं बाहर बच्चे, और मच्छर इतने हैं इसकी वजह से बुरा हाल है। हम कहते हैं कि हम नरक में पड़े हैं यहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई सुनने को राजी नहीं है। हमें मतलब कि धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था, गंदा गंदा धुआं जला हुआ ऐसे, तो प्रदूषण बहुत फैल रहा था। कल सारे लोगों को दिक्कत पड़ी, कल घर में भी बढ़ गया था मतलब धुआं, और मतलब रात को ये दिख भी नहीं रहा था खत्ता। रात को जो आग लगी हुई थी उससे बहुत प्रदूषण हुआ है और प्रदूषण से बहुत लोग बीमार भी हुए हैं, और ऐसे कूड़े कबाड़े भी हो रहे हैं, उनकी वजह से भी बहुत प्रदूषण हुआ है। तो फिर इससे गाड़ियों को भी बहुत नुकसान हुआ है, इंसानों को भी बहुत वो पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, खांसी जुकाम ये सब आ रहे हैं, उन्हें बीमारी पड़। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, लगभग 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है, क्या अभी भी कोई स्थितियां यहां पर नजर आ रही हैं कि आग बुझाने के लिए कोई कंट्रोल हो सकता है, किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिल रही हो? आज बिल्कुल दीपेश, आपको बता दें कि तकरीबन 15 घंटे के आसपास का जो समय है वो बीत चुका है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग पर काबू पाया गया है लेकिन कूलिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां इस मौके पर लगी हुई है लेकिन ये कूड़े का खत्ता, अलग अलग प्रकार का वेस्ट मटीरियल यहां पर है, तो बीच बीच में जो आग की लपटे हैं वो फायर डिपार्टमेंट को दिखाई देती है, जिसके बाद उस गाड़ियों फायर की गाड़ियों के जरिए उस आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी कूलिंग प्रोसेस अभी भी जारी है। तकरीबन 6 गाड़ियां
फायर की अभी भी मौके पर मौजूद है, जो कि कूलिंग प्रोसेस को अंजाम दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो खोड़ा कॉलोनी हो, मयूर विहार का फेज 3 इलाका हो, क्योंकि कूड़े का जो वेस्ट है जब वो जलता है तो तरह तरह के जो केमिकल्स हैं हवाओं के अंदर घुल जाते हैं। तो यही कारण है कि आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी इस कूड़े के खत्ते को लेकर एक अलग मुहिम उन्होंने चलाई थी और इसी मुहिम के चलते वो एमसीडी का चुनाव भी जीते। और यही कारण है कि कल जब कूड़े के खत्ते पे आग लगी तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला बोलती हुई भी नजर आई। लेकिन स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना है। लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि 1990 से इस तरीके से परेशानी है, लेकिन कोई भी इस परेशानी का समाधान नहीं निकल पा रहा है। जो कूड़े का खत्ता है पहले तकरीबन 10 से 12 फीट का हुआ करता था, आज तकरीबन 25 फीट से भी ज्यादा का कूड़े का खत्ता वहां पर मौजूद है। उससे निकलने वाली गैस से तरह तरह की बीमारियों का सामना आसपास के लोगों को करना पड़ रहा है। और कल जिस तरीके से शाम को आग लगी, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि कितनी बड़ी लपटें थी और आसपास में जो इलाके थे वहां पर पूरे तरीके से धुआं फैलता हुआ नजर आया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत इस तरीके से भी महसूस होने लगी, क्योंकि तरह तरह के जो केमिकल्स थे वो आग लगने से निकलते हुए नजर आए। और जो हवा में जब केमिकल्स घुसे तो आसपास की जितनी भी कॉलोनी है, खासतौर पर खोड़ा का जो इलाका है जो कि दिल्ली के अंदर भी आता है और आगे जाकर यूपी में भी शुरू हो जाता है, वहां के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कूड़े का खत्ता और गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर ही होती है कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी